दोस्तों, अगर आपको भी राजस्थान की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और राजस्थान की तरफ से आपको आज जीत का हीरो कौन लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान और कोलकाता के बीच खेले गए आईपीएल के अहम मैच में राजस्थान ने कोलकाता को बुरी तरीके से हरा दिया और अपने अंक तालिका में 2 अंक और जोड़ लिए। या राजस्थान इस बार शानदार गेम दिखा रही है, लेकिन उनके प्रदर्शन पर किसी को भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो एक मैच शानदार तरीके से जीतते हैं तो दूसरा मैच बुरी तरीके से हार जाते हैं। लेकिन आज कोलकाता को हरा कर उन्होंने बता दिया कि इस बार के आईपीएल में वो कड़े मुकाबले के साथ मैदान में उतरे हैं। आज टॉस जीतकर राजस्थान कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कोलकाता पहले बल्लेबाजी करने मैदान में उतरा। कोलकाता की तरफ से आज कोई भी बल्लेबाज ज़्यादा खास नहीं कर पाया। राहुल त्रिपाठी ने 36 रन की पारी खेली, बाकी सब बल्लेबाज तू चल मैं आऊँ की राह पर रहते रहे। और राजस्थान के गेंदबाजों ने जो शानदार गेंदबाजी की, उसके आगे कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाया। राजस्थान के गेंदबाजों के आगे कोलकाता के बल्लेबाज ऐसे खेल रहे थे जैसे कि नौसिखिया हूँ, लेकिन कोलकाता फिर भी 130 रन तक पहुँचने में सफल रहा। कोलकाता की तरफ से राहुल त्रिपाठी ने 35, वहीं दिनेश कार्तिक ने 25 रन की पारी खेली, जिस कारण उन दोनों के स्कोरों की बदौलत कोलकाता की टीम का स्कोर 133 तक पहुंचा, नहीं तो कोलकाता की स्थिति और ख़राब हो जाती। जवाब में उम्मीद थी कि राजस्थान को कोलकाता थोड़ी टक्कर देगा और मैच में वापसी करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। पहला विकेट बटलर का जल्दी गिरा दिया कोलकाता ने, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन और जयसवाल ने जो बल्लेबाजी की वो लाजवाब थी। उन दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों की एक ना चलने दी और धुआंधार बल्लेबाजी कर अपनी टीम के स्कोर को आगे ले गए। संजू सैमसन तो हमेशा ही बेहतरीन खेलते हैं, उनके बल्ले से जब भी गेंद निकलती है ऐसा लगता है कि कोई शानदार बल्लेबाज खेल रहा है, लेकिन वो भी राजस्थान की टीम की तरह ही है, एक मैच में धमाल मचाते हैं और अगले मैच में खुश हो जाते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे टीम को जीत दिलाई वो लाजवाब थी। अगर आपको भी आज राजस्थान की जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से राजस्थान की इस जीत का हीरो कौन है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको भी लगता है कि राजस्थान अंतिम चार में प्लेऑफ में जगह बना पाएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें।